अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज हम अमले बनावट का मश्क नंबर 6.1 में तीसरी मिसाल हल करने की कोशिश किया जाएगा। अजीज तलबा, गौर से समझने की कोशिश करें, हर मरहले पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें। अजीज तलबा, एक मुसलस बनाइए जिसके अजला की लंबाइयाँ बतरतीब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हों, और फिर इसके मुशाबा दूसरा मुसलस बनाइए जिसके अजला पहले मुसलस के नजरी अजला का 7/5 हो। अजीज़ुल्बा, पिछली मिसाल में इस मिसाल में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, मैं पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर निस्बत पर गौर करें। 7/5 निस्बत दी गई है, तो यहाँ इस निस्बत में शुमार कुनिंदा बड़ी अदद है, नस्ब नुमा छोटी अदद है। तो यहाँ पर जो मुसलस जो है दिए गए मुसलस के मुशाबा मुसलस मुसलस के बाहर बनता है, ये ख्याल रखें। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर शुमार कुनिंदा छोटी है, नस्ब नुमा बड़ी है, उस सूरत में मुशाबा मुसलस को मुशाबा मुसलस के अंदर बनाना है। इस मिसाल के अंदर नस्ब नुमा छोटी है, शुमार कुनिंदा बड़ी है, इसकी वजह से यहाँ पर मुशाबा मुसलस मुसलस के बाहर बना दिया जाता है। तो अजीज तलबा, पहले हम लोग यहाँ पर दिए गए ज़िले की पेमाइश लिखेंगे। यह 5 सेंटीमीटर का एक ज़िला दिया गया है, 6 सेंटीमीटर का एक ज़िला दिया गया है, 7 सेंटीमीटर का एक ज़िला दिया गया है। तो अजीज तलबा, कायदा जो है हमको किसको लेना है, मैं बता चुका हूँ। इन मुसलस के तीनों ज़िलों की पेमाइश में बड़ी ज़िले की पेमाइश मुसलस का कायदा होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कायदा जो है वो 7 सेंटीमीटर का हम लोग लेंगे, क्योंकि इस तीनों ज़िलों की पैमाइश में जो है बड़ी 7 सेंटीमीटर है, उस लिहाज से हम लोग 7 सेंटीमीटर का एक ज़िला खींचेंगे। ठीक है, ये होगा 7 सेंटीमीटर का एक ज़िला। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इसको नाम दिया जाएगा। ये ए है, ये बी है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर और दो ज़िले मुसलस के बनाएंगे। एक दूसरा जो ज़िला है 6 सेंटीमीटर का है, हम पेमाइश देंगे इसकी, नुक्ते ए पर रखकर इसको कता करने की कोशिश करेंगे। एक कॉस खींचा जाएगा। फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर की एक पेमाइश दोबारा लेंगे, फिर नुक्ते बी पर रखकर इसको कता किया जाएगा। हमें जो है मुसलस का तीसरा नुक्ता यहाँ पर हासिल हो रहा है, जिसका नाम हम लोग देंगे पर, जिसका नाम जो है सी है। फिर नुक्ते ए सी और ए बी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद बी सी को जोड़िए, बी सी को जोड़ा गया। फिर मुसलस ए बी सी तैयार हो चुका है। फिर इसके एक मुशावा मुसलस बनाना है जिसकी नस्बत 7/5 दी गई। अजीज़ुल्बा, नुक्ते ए से दूसरे जानिब ज़ावे हादा बनाएंगे। ज़ावे हादा बनाते हुए एक शुमा एक्स खींचा जाएगा। मैं इसको बता चुका हूँ, ठीक है, जिसका नाम दिया जाएगा एक्स। फिर इसमें
जो है मैं बताया हूं आपको कि 7 और 5 ax में हमको कितने कता बनाने हैं, तो यहां पर 7 क्योंकि बड़ी आदत यहां पर 7 है, तो यहां पर एक कोई भी एक पेमाश लेकर शिवा ax पर 7 कता बनाने की कोशिश करेंगे। होगा एक दो तीन चार पांच छः सात, इसको A1 नाम दीजिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। देखिए अजिस्तुलवा नुक्ते B से शुवा AX पर जोड़ना है, तो किस नुक्ते से जोड़ेंगे? याद रखें नज़्मनुमा में जो कीमत है, जैसे नज़्मनुमा में यहां पर 5 रहा तो B और 5 को जोड़ेंगे, फर्ज कीजिए नज़्मनुमा में 4 रहा तो B और 4 को जोड़ेंगे, पिछले एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब यहां पर जो है 5 और नुक्ते B को जोड़ा जाएगा, नुक्ते A5 से B तक जोड़ा जाएगा, ये जोड़ा गया, ठीक है। अब इसके एक मुशावा मुसलस हमको बनाना है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको FIB के एक मुतवाजिह खतूत बाहर बनाना है, उसी तरह हम पहले इसको ज़ाविया बनाएंगे, ये ज़ाविया तैयार होगा, फिर नुक्ते 7 पर रखकर फिर इस तरह कता किया जाएगा, ठीक है। फिर उस पर इसकी पेमाइश ली जाएगी, 6 और 7 के दरमियान जो कता हासिल हो रहा है इसको फिर कता करेंगे, और ख़ास ख्याल रखें कि A7 को जो है इसको और थोड़ा AB को दराज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुसलत जो है बाहर बन रहा है, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा मुख और दराज करेंगे ताकि नुक्ते B डैश हासिल हो। अब हम जो है A7 को जोड़ना है, और याद रखिए जो नुक्ता हासिल हो रहा है उसको कता करते हुए वो ख़त निकलना होगा, ये हो गया B डैश। फिर इसी तरह BC के मुतवाजी खतूत बाहर बनाना है, नुक्ते B पर रखकर फिर ज़ाविया बनाएंगे, इसको तब्दील किए बगैर B डैश नुक्ते से एक कॉस खींचा जाएगा, फिर इसकी पेमाइश लेते हुए B और B डैश के दरमियान जो कता हासिल हो रहा है इसको कता किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम AC को और थोड़ा दराज किया जाएगा, क्योंकि मुसलस जो मुशा मुसलस बन रहा है वो बाहर है, इसकी वजह से नुक्ते C को और थोड़ा दराज करें, नुक्ते B हासिल हुए नुक्ते से जोड़ा जाए, इसको और थोड़ा दराज करके इसको मिलाएंगे,
ये सी डैश हासिल हो गया है। तो जिस तुलबा ये मुशबा मुसलस तैयार हो गए, मुसलस ए बी सी का दूसरा मुशबा मुसलस ए पी डैश सी डैश होता है। और जिस तुलबा इस मिसाल की तश्किल के इकदाम लिखेंगे, अगर आपको सवाल में दिया जाए कि आप तश्किल के इकदाम लिखिए, तो आपको तश्किल के इकदाम यानी इसके मरहले आपको लिखने होंगे। चलिए इस मिसाल के हम लोग तश्किल इकदाम लिखेंगे। देखिए, जिले ए बी से हादर जबर रास के ए की दूसरी जानब बनाते हुए एक शिवा एक्स खींचिए। तो अजीज तुबा हम लोग यहाँ पर ए बी एक खत खींचते हैं, फिर जाविया ए पर जाविया हाता बनाते हुए दूसरे जानब जो एक हम लोग क्या करेंगे, एक शिवा खींचेंगे। देखिए आप लोग जिस तरह अम्ल बनावट कर चुके हूँ, जिस हिसाब से आपको लिखना होगा, मैं यहाँ पर मुख्तसर चार मरहले आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। शुआ एक्स पर कताए खत इस तरह लीजिए। एक्स पर हम लोग कताए खत लेना है, कता लेना है यानी सेगमेंट लेना है बराबर, जिस तरह ए ए वन बराबर, ए वन ए टू बराबर, ए टू ए थ्री बराबर, ए थ्री ए फोर बराबर, ए फोर ए फाइव बराबर, ए फाइव ए सिक्स बराबर, ए सिक्स ए सेवन बराबर, इस तरह यहाँ पर मैं लिख दिया। फिर इसके बाद का जो मरहला है मरहला नंबर तीन, कम से कम इतने याद रखने चाहिए आपको, ए फाइव से बी को जोड़िए, ए फाइव से हम बी को जोड़ रहे हैं या फिर मिला लिए, और इसके मुतवाजी खत ए सेवन बी डैश बनाइए, ए सेवन बी डैश बनाइए, ये ए सेवन बी डैश को बनाना है। फिर इसके बाद और ए फाइव बी डैश के मुतवाजी ए सेवन बी डैश होता है, फिर इसी तरह बी सी के मुतवाजी खत बी डैश सी डैश खींचिए। तो बी सी के एक मुतवाजी खत बनाना है, वो मुतवाजी खत बी सी के बी डैश सी डैश हासिल होता है। अजीज तुलबा जवाब एंड जस्टिफिकेशन इस मिसाल की देनी होगी। अगर आपको सवाल में पूछा जाए तो ही करेंगे। देखिए मुसलस ए बी सी और एक दूसरा मुसलस ए बी डैश सी डैश, दोनों मुसलस को कंपेयर करेंगे क्या दोनों मुशाबा मुसलस है या नहीं। जाविया ए बी सी के बराबर ए बी डैश सी डैश एक नजरी जाविया है, यानी अमल के लिहाज से हम उसको जाविया बना चुके हैं। इसी तरह जाविया बी ए सी और जाविया बी डैश ए सी डैश ये मुश्तरीक जाविया है। इन दोनों के जाविया के लिहाज से मुसलस ए बी सी यानी ए मुसलस ए बी सी और दूसरा मुसलस ए बी डैश सी डैश मुशाबा है, उसूल ए मुशाबत के तहत। अगर जब दो मुसलस मुशाबा हासिल होते हों, इनके नजरी अजला यानी एक मुसलस के नजरी अजला दूसरे मुसलस के नजरी अजला मसावी नस्बत में होते हैं, तो इसी तरह ए बी डैश बटे ए बी, ए सी डैश बटे ए सी, बी डैश सी डैश बटे बी सी, ये नंबर वन होगा। लेकिन ए बी डैश बटे ए बी बराबर ए ए सेवन बटे ए ए फाइव बराबर सात बटे पाँच है। एक और दो के रूप से ए बी डैश बटे ए बी इज इक्वल टू ए सी डैश बटे ए सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश बटे बी सी इज इक्वल टू सेवन अपन फाइव हासिल होता है। इस तरह हमको इस मिसाल की जवाब यानी जस्टिफिकेशन देनी होगी। अजीज तुलबा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो, एक या दो मरतबा देख कर समझने की कोशिश करें और इसकी मश करते रहें, और उसके बाद जो है ये दूसरों तक भी इसको पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।